लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव धीराज गर्ब्याल अपने दो दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार का विशेष ध्यान सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कहा कि सभी खतरनाक मार्गों को क्रैश बैरियर लगाने का प्रस्ताव शासन में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संबंधित विभाग को ऐसे अन्य मार्गों का चयन करने के निर्देश भी दिए गए हैं जहां पर खतरनाक मोड़ और डेंजर जोन ज्यादा हों। सरकार का मकसद पूरे प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर है, जिसके ऊपर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। मानसून सत्र के बाद सीएम साहब का भी स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी सड़कें जिनमें गड्ढे हैं तो उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, पैचवर्क का काम जिसमें करना है वो करा जाए। तो आज पौड़ी जनपद की हम लोगों ने समीक्षा की है, तो जिसमें 231 किलोमीटर की लंबाई में पैचवर्क का काम होना है और इन्होंने जो टेंडर किया है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी कोई अच्छी प्रगति फिलहाल नहीं है, लेकिन इन्होंने एश्योर किया है कि जो टेंडर में लोगों ने प्रतिभाग नहीं किया तो उसमें पर्सनली हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और इसमें काम करेंगे।